हमारी प्रॉब्लम ही बहुत नेक्स्ट लेवल चल रही है। हम लालटेन में पढ़ रहे हैं, कीड़ा आ जा रहा है और कीड़ा शर्ट में घुस गया। आप क्या कॉपी में देखोगे यार, कीड़ा घुस गया है। तो अब अगले दिन इसलिए स्कूल नहीं जा पाए क्योंकि कीड़े ने काट लिया। कब से थेरेपी ले रहे हैं? मैंने साहब पहले 2017 में ली एक बार, रेस्टोरेंट बंद हुआ था। उसके बाद मेरे पास कुछ काम ही नहीं था करने को, फिर पता नहीं बहुत ही मेंटली मेरा कुछ अजीब सा हो गया था। तो आई जस्ट थॉट कि एक बार बात करके देखते हैं, तब ली थी मैंने। उसके बाद फिर तो महंगी बहुत है थेरेपी, तो लगता है कि यार किताब विताब पढ़ लेते हैं। हमारी कहानी सुन याद करो। हाँ? मुझे बहुत लोग कहते हैं कि हमारी कहानियाँ सुन के उनका जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, एंगर है, या सो नहीं पाते हैं। तो अब हम एक स्टडी शुरू कर रहे हैं आईआईटी कानपुर में कि हमारी कहानियों का क्या असर है मेंटल हेल्थ पे और कैसे उसको एक इफ़ेक्टिव टूल बनाएं। हमें तो मतलब सैकड़ों लोगों ने ये भी कहा कि डिप्रेशन ठीक हो जाता है, पर हम पब्लिक में उसको नहीं बोलते, नहीं बोलते, क्लिनिकल टर्म नहीं बोलने, क्लिनिकल टर्म नहीं बोलते क्योंकि साइंस की बैकिंग। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो पर यह है कि एक असिस्टिव टूल हमें भी बोला जाता है कॉमेडियंस को भी कि हम आपकी स्ट्रेस बस्टर हैं। वो तो स्टडी तो आपकी हो जाए, हमारे पे भी करा देना, तुम भी देख, हमें भी जान लेंगे कि क्या हो रहा है। बट हाँ, तो क्या आपकी बहुत कहानी सुनी, यादों का इडियट बॉक्स में भी बहुत कुछ सुना है मैंने। तो कुछ 2000 परिचित हैं। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे लगता है मैंने दिल से कहा से अच्छा गाना नहीं लिख सकता कोई, ठीक। और जो उसमें इरफान साहब करके चले गए वो नहीं हो सकता। वो जो भी है ना, वो बहुत कमाल चीज़ है। वो मतलब मैं शायद अभी छोड़ के चला जाऊँ, गाना सुन लेना कमरे में बैठ के मैं गाना। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से भी ना कि एक ना सीरियस वाला पार्ट ज़्यादा हावी हो गया था पर्सनालिटी पे भी। मैं 8th क्लास में ये सब सुनता था। अच्छा। हाँ, एक मस्ती पिक्चर का एक गाना आया था, दिल दे दिया है। वो ये सब मेरे फेवरेट गाने होते हैं। 8वीं क्लास में किसको दिल दे दिया, पेन दे रहे हैं एक दूसरे को। कुछ भी बकवास चल रही। तो तो प्यार भी हुआ था मुझे बहुत तगड़ा एक बंदी से। हाँ, तो वो वाला पार्ट शायद ऐसे ही हुआ क्योंकि आप पूरे टाइम अकेले अपने आप से ही बात कर रहे हो, आप घुटे हुए ही हो क्योंकि पता नहीं आपको क्या बोलूँ, किससे शिकायत भी है तो किसको बताऊँ जाके। 90% टाइम तो आप, क्योंकि घर वालों को क्या है ना, घर वालों उन्हें आप ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं बता सकते, बड़ी घटना है बता सकते हैं। मम्मी को ये नहीं बता सकते, मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा, चाँटा मारेंगे बहुत तेज। कि मन है वही लगा के रखो जहाँ है, ठीक है। तो पढ़ने बैठ जाओ। तो वो बहुत डिफरेंस है। स्कूल में टीचर को नहीं बता सकते, वो चाटा मार देंगे। तो दीदी से मिलना बहुत कम होगा, दीदी को भी क्या बताएं। दीदी भी आके थोड़ी देर में यही बोलेगी कि पढ़ाई दिखा, भी कॉपी दिखाओ। कॉपी है ही नहीं, बनाई ना की कॉपी। तो मुझे ये भी पता है कि इसका अल्टरनेटिव क्या है। अगर मैंने कोई कुछ ऐसी बात छेड़ दी और उन्होंने मुझे बोला कि अपनी कॉपी दिखाओ, तो मेरी कॉपी या तो कंप्लीट हो तो मैं जाके बहसबाजी लूँ, जब मुझे पता है मैंने होमवर्क भी नहीं कर रखा तो मैं क्यों लूँ। तो मैं अकेला ही कोने में घूमता रहता था अपना। मैं तो वो वाला आदमी ना, रेडियो यहाँ लगा के सोता था मैं, यहाँ लगा कि मुझे सारे गाने सुना पूरा। मुझे कुछ टाइम पहले आरजे साइमा का मैसेज आया था, मैंने कहा साइमा मुझसे बात मत करना, ठीक है, क्योंकि आप ना मेरे साथ जिए हो बहुत टाइम तक। तो वो वाला सीन है। तो बहुत टाइम ऐसे ही रहा है हमारा, मेरा तो मेरा वो गांव का एक पर्टिकुलर पूरा पार्ट है जो वहीं रहा है कि वहाँ से, क्योंकि वो इंसिडेंट से ऐसे है ना कि किसी को बताऊँ मैं, अब आप ही को पहली बार बता रहा हूँ, मैंने किसी से बात भी नहीं करी है सब, क्योंकि वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा कोई भी इंसान जिससे मैं ये बात बताना चाहूँगा। जैसे मेरा दोस्त जो मेरे साथ भी आया है, ये शहर में रहा है हमेशा से। अच्छा। तो इन्हें नहीं पता कि गांव में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब 6 बजे के बाद लाइट नहीं है। ऐसा नहीं इलेक्ट्रिसिटी थी, अब लाइट भी नहीं है। कुछ नहीं है। तो 2 घंटे के लिए आनी है बिजली, सबको पता है। वो इतना फनी होता था, एक बिजली आई है तो पूरे मोहल्ले की आवाज़ आई है, आ गई। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और फिर एकदम से चली गई, फिर पूरे मोहल्ले की आवाज़ आई है, ओ। तो हाँ, कलेक्टिव हो। मुझे याद में 2003 का वर्ल्ड कप हमने पापा से बोल दिया था कि पापा वो तो मैच देखेंगे हमारा रात में, तो ट्रैक्टर खड़ा करते थे, उसकी ट्रैक्टर की बैटरी से वो लगा के वो टीवी चलाया जाता था। एक ही टीवी था इतना छोटा, सब उसी पे देखते थे। इतनी मेहनत करी, 2 घंटे पूरा ट्रैक्टर लगा के सब मेहनत करी। पहले ट्रैक्टर चार्ज होता था ट्रैक्टर की बैटरी चार्ज होती, ट्रैक्टर स्टार्ट करके फिर उससे वो कनेक्ट करके पूरा वो करते थे। और फिर आउट हो गया सचिन मूड ही खराब हो गया। फिर होता था कि चलो हम अपना मैच खेलते हैं, तो साइड में अपना भी चल रहा है, फिर यहाँ से टीवी भी चल रहा था, वो सब। एक बार मुझे याद है मैं छोटा सा था, तो अब मैं ये बात क्या किसके शहर के बच्चे को बताऊं कि ये हमारी प्रॉब्लम ही बहुत नेक्स्ट लेवल चल रही है कि हम लालटेन में पढ़ रहे हैं, कीड़ा आ जा रहा है और कीड़ा शर्ट में घुस गया। अब क्या कॉपी में देखोगे यार, कीड़ा घुस गया है। तो अब अगले दिन इसलिए स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि कीड़े ने काट लिया तो एक बार मुझे याद है कुछ, तो मेरी माता जी, मैं इंग्लिश में आए मेरा कुछ 100 में से शायद मेरे एक दोस्त वगैरह था, विभोर प्रताप सिंह, मेरे कुछ ही दोस्त हैं जिनसे मेरी दोबारा बातचीत नहीं होती। अब वो पता नहीं विभोर क्या कर रहा है आजकल, कहाँ पे है। तो विभोर प्रताप सिंह थे छिलोरा गांव के, हम दोनों गांव बस में आते थे, तो ऐसे बात करते आते थे। तो कुछ 3rd वर्ड क्लास थी हमारी कुछ, तो हमारी टीचर जो थी उन्हीं की बेटी हमारी क्लास की टॉपर थी, अच्छा, निहारिका। तो उसके अंग्रेजी में बढ़िया नंबर आया, जो भी मुझे मतलब जो छोटा छोटा मुझे थोड़ा याद है। मुझे ये याद है कि मेरा आया 100 में से 1 नंबर इंग्लिश में, पता नहीं किस चीज में आया, एक भी पता नहीं। 100 तो शायद 100 का तो पेपर भी नहीं होता था 3rd क्लास में, 20 में से 25 में जिसमें से भी आया, एक नंबर आया। तो अभी बहुत जोर से हंसा, क्योंकि मैं अनुभव हूँ, तो मेरा तो पहले आ गया शीट ए पे आ गया, तो वो बहुत जोर से हंसा। जब वी आया उसका आया आधा नंबर तो मैंने कहा जब तुझे पता है तू भी दूसरे गांव का ही है तो तू क्यों हंस रहा है हमारे मिला के 1.5 नंबर आया, हम चुप नहीं बैठ सकते साथ तो मैं मम्मी को पता चल गया मेरा 1 नंबर आया। कुछ तो पैरेट का चैप्टर होता था, मुझे मतलब ये सोच रहा ये मेरे वो मेमोरीज हैं जो मेरे दिमाग में बसी हुई है, क्योंकि उन दिनों पे मैं बहुत परेशान हुआ हूँ जब घर गए मम्मी ने कहा कि तो 1 नंबर कैसे आ सकता है, मैंने कहा मुझे ये नहीं पता 1 आया कैसे मैंने तो कुछ भी नहीं किया था मैं तो ये पूछ रहा हूँ 1 नंबर किस चीज का है, मैंने तो राइटिंग नहीं लिखी, तो गुड हैंड राइटिंग का भी नहीं हो सकता था, किस चीज का है। तो मम्मी मुझे रात को पढ़ाने बैठ गई, लैंप लगा के, केरोसिन वाला लैंप लगा के। मम्मी मुझे इंग्लिश पढ़ा रही हैं, खुद को नहीं आती उनको ये तो मुझे अब पता चला ना कि मम्मी को इंग्लिश नहीं आती अब मम्मी मुझे पढ़ा रही इंग्लिश, अब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था इतना सा मैं बच्चा हूँ, मुझे क्या समझ में आएगा। मम्मी बता रही है पैरेट ये पैरेट वो, मैंने कहा अरे मर जाए तोता मेरी बला से, मुझे क्या अब समझ में मम्मी को खुद नहीं आ रहा किताब में देख के कि क्या लिखा है, चांटे मेरे में लग रहा है कि तुझे क्यों नहीं समझ आ रहा। मैंने कहा अरे मम्मी मैं तो सीख रहा हूँ आपको आता नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। उस रात में इतना पिटा कि मम्मी को लगा कि मैंने आज तुझे पूरा सिखा दिया होगा। अगली बार पे टेस्ट हुआ, 3 नंबर आए, मैंने कहा मम्मी बताओ क्या सिखा दिया, 2 नंबर आप रख लो, मेरा 1 ही चल रहा है, ठीक है। ये सब मेमोरीज ऐसी है ना। मैं डिक्टेशन की स्पेलिंग गलत सुना देता था, कुछ भी बकवास चल रहा था, कुछ नहीं आता था उस टाइम। फिर एकदम से ऐसा हुआ कि फिर दीदी ने आके कुछ बताया ऐसा, फिर इंटरेस्ट ले लिया। अच्छा, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं? नहीं, हाँ। कि अच्छा समाज है ना, हाँ। मुझे नफरत है समाज से, मैं इस चक्कर में मेरी आधी जिंदगी खराब हुई है समाज के उसके चक्कर में, क्योंकि माँ बाप के परसेप्शन बन चुके हैं वो इंग्लिश आनी ही चाहिए। अरे लैंग्वेज है भाई, आती होगी नहीं आती होगी भाड़ में जाए। बिल्कुल, इतना मन था मेरा कि मैं हिंदी स्ट्रांग कर लूँ अपनी, इस चक्कर में कहीं के नहीं रहे हम। अब हिंदी जैसे हिंदी अच्छी लगी, तब तक पता चला उर्दू भी कुछ होती है, उर्दू बहुत अच्छी लग गई। अब ना हिंदी के ना उर्दू के ना इंग्लिश के अब कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, सेंटेंस बोल दिया मैंने, सेंटेंस वर्ड कहाँ से आया मेरे मुंह, क्यों मैं क्यों यूज कर रहा हूँ 3 लैंग्वेज एक साथ। तो इस चक्कर में कहीं के नहीं रहे, स्कूल को खुद नहीं पता क्या फॉर्मेट है, क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा के चले जा रहे हैं। हिंदी लिटरेचर और हिंदी ये क्या बोलते थे, मतलब जब हमारे जो एग्जाम होते हैं, हमारा तो एक लैंग्वेज और एक लिटरेचर ऐसे होता था। बट बात वही है ना सर, लैंग्वेज सब्जेक्ट कैसे है। हाँ बिल्कुल, फिजिक्स और लैंग्वेज का पेपर साथ में कैसे हो रहा है मुझे बताओ। लैंग्वेज लैंग्वेज है, इसको अलग तरीके से पढ़ाओ, इसके सेमिनार कराओ, बैठा के बात कराओ, मुझसे बोल के सुनो मैं बोल पा रहा हूँ नहीं बोल पा रहा हूँ, इसमें इसे मैं क्यों लिख के आ रहा हूँ, मैं लिटरेचर भी लिख रहा हूँ, मैं लैंग्वेज भी लिख रहा हूँ, क्या कहाँ से कौन पता किया जा रहा है। तो ये पंगे। फिर सुबह ऐसा होता था कि 5, 5:30, 5:15 बजे उठना होता था। फिर तैयार हो गए आप, फिर पापा बुलेट से स्कूल बस तक छोड़ के आएंगे। एक सुबह में उठा 5, 5:15 बजे, तो मैं नीचे उतर के आया तो घर में ना शोर मच रहा था, लोग घूम रहे थे ऐसे। तो जैसे अपनी ये दीवार है, इस दीवार के साइड में ही हमारी ऐसे खोर थी, ये खोर ये होती है, हमारे खोर बोलते हैं जो चारा डालते हैं इसमें। तो भैंसें होती थी उस टाइम, 7-8 भैंसें होती थी, क्योंकि मम्मी के नांद कहते हैं हमारे यहाँ, नांद। हाँ, तो हमारे यहाँ नांद एक बड़ी सी वो होती है टोकरी टाइप की, उसको नांद कहते हैं, उसमें अलग से वो खलवल भिगोते हैं। तो मम्मी के पेट थे भैंसे, मम्मी का डिपार्टमेंट भैंसों का है, क्योंकि मम्मी की पर्सनल कमाई है, राइट। जो दूध जाएगा वो आएगा, वो मम्मी का अपनी पर्सनल कमाई, उसमें पिताजी का एक पैसा नहीं। ओह हाउ इंटरेस्टिंग, उसमें पिताजी का कोई लेन देन नहीं, मम्मी करेंगी भैंसों का सब कुछ, मम्मी की है खेती, पापा का है। तो उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मम्मी की पहले से थी। अच्छा, पापा से ज्यादा कमाती थी मम्मी, क्योंकि मम्मी का पेमेंट डिलेड नहीं था। मम्मी दूध रोक देंगी, करेक्ट, कि नहीं दे रही तुमको, करेक्ट करेक्ट, मैं किसी और को दे दूंगी, क्योंकि सप्लाई डिमांड चल रहा है, right। पापा तो गन्ना मिल को ही देंगे, पापा का गन्ना कहाँ लेके जाएंगे। रास्ते में थोड़ी बोलेंगे कि भाई 10 रुपए गन्ना ले, तो होना नहीं है। तो उनका डिफरेंस था। तो 4-5 भैंसे होती थी उस टाइम पे, अब तो उन्होंने एक ही कर लिया बिल्कुल, अब क्योंकि हो गया। और मम्मी वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट उनकी भैंसे, वो उनके लिए बिल्कुल पेट है, नहीं नाम नहीं थे एज सच, बट उनके वो थे कि वो मम्मी को देख के ही रिस्पॉन्ड करेंगे, दूध भी सिर्फ मम्मी को ही देंगी। अच्छा, और किसी कोई हाथ नहीं लगा सकता। अच्छा हाँ। और अभी भी मतलब रिसेंटली मेरे पास मम्मी 4-5 दिन रहने आई थी दिल्ली, मेरा गला ख़राब हो गया था, तो ऐसे ही मेरे पास आ गए थे रहने। 4थे-5वें दिन मम्मी वाज लाइक कि अब वो दूध नहीं देगी, तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं कहा प्लीज़ माँ जाओ आप, तो जैसे पेट यहाँ पे डॉग पेरेंट्स और कैट पेरेंट्स, वैसे वो करेक्ट। तो एक सुबह हम उठे तो शोर वोर मच रहा है घर में, मैं नीचे आया, छोटा सा ही था, क्या पता चल रहा है, मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। घर में 10-12 लोग घूम रहे, ठंड हो रही, गंदी ठंड, गांव में जो पाला पड़ता है वो वाली ठंड, के सब खेस में लपेट के सब अपने उसमें है, तो कोई बाहर नहीं निकल रहा है, मतलब बीड़ी भी अंदर से पी ले रहे हैं कि धुआं अंदर ही रहेगा, ठीक रहेगा। तो दीवार तोड़ के चोर हमारी भैंस ले गए। ओह, 3 भैंस चोरी हो गई हमारी, कुछ 2 या 3 भैंस। ओह माय गॉड। मैं आया, मैं भैंस चोरी बहुत होती थी उस टाइम पर गाँव में, तो पहले वो चलते थे ना मेरठ साइड पर, कमेले वमेले चलते थे। ये मुहावरा भी है तुम्हारे, क्या हो भाई मुंह बना हुआ, तेरी भैंस खोल ली क्या, भैंस खोल ली क्या। हाँ, तो वो भैंस खोल के ले गए हमारे चोर। अब मेरी माता जी रोए जाएँ रोए जाएँ, मैं सुबह उठा 5-5:15, तो थोड़ी देर तो मुझे लगा कि रो, रात तो मैं रो रहा था, क्योंकि हमें रीज़न भी नहीं पता ना क्यों रो रही है। माँ रोई जा रही है, मैं अब बच्चे के सामने माँ रोएगी तो बच्चे को तो समझ ही नहीं आएगा ना क्या करना है। मैं उनसे चिपट के बैठ गया, मैं भी रोने लग गया। मैंने कहा तो अब दोनों रोते हैं, बात नहीं पता पर रो लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अब मेरी माँ क्यों रो रही थी, इट वॉज सच अ स्वीट थिंग, मुझे ये भी नहीं पता मुझे ये सब बातें याद क्यों हैं। मेरी माँ रोने लगी, बोली बेटा सॉरी आज स्कूल जाने से पहले दूध नहीं दे पाऊँगी। मैंने कहा माँ मतलब ठीक है, इतना भी कुछ नहीं है इस बात पर, तो पिताजी से वो सॉरी बोलने की चाय नहीं बन पाएगी, मुझे बोल रही होने पाएगा। फिर और भैंस चोरी हो गई हैं, और भैंस इज लाइक मतलब उनसे लगाव था सर, प्लस वो आपका कैपिटल है, वो लाइवलीहुड है, ऑफ कोर्स वो लाइवलीहुड चल रहा है सर, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है घर का। हाँ। पूरा गाँव, आधा गाँव इकट्ठा हो गया है कि अच्छा। और वो बड़ा प्यारा फन सीन था, मतलब ऐसे वो 4 लोग इधर जाएंगे, 4 लोग उधर गए, ऐसे गए उधर, भाग में देखो ना कहाँ जाएंगे, फुटप्रिंट देखे जा रहे, फुटप्रिंट देखे जा रहे हैं कि 3 भैंसों के फुटप्रिंट होने चाहिए, आगे पीछे वो लाइट करने चाहिए। फिर ये डिस्कशन चल रहा है कि ऐसा तो नहीं है एक अलग रास्ते पे गई, 2 पे गई, 2 के देखो फुटप्रिंट, चोर भी तो शातिर हो सकते हैं, बिल्कुल। वो भाई मैंने पूरा बने का माँ कोई बात नहीं है, वो रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने हल्का सा स्लाइड किया कि मैंने कहा स्कूल नहीं जाता ना फिर मैं आज। एक चांटा लगा, मैंने कहा जा रहा। इसको आज के समय में कहा जाता है आपदा में अवसर। मुझे वो सब देखना बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, मैंने कहा कैसे ढूंढी जाएगी भैंस, तो मुझे वो सब देखना है कि क्योंकि मैं एज अ किड मुझे जो दिमाग में आ रहा था वो ये था कि जब वो कहीं पर चलेगी तो उसकी बेल जो है उसकी आवाज़ आएगी। हाँ करेक्ट। बट थोड़ी देर बाद मुझे बताया गया कि बेल तो खोल दी ना, उन्होंने रस्सी बांध ली अपनी, रस्सी की आवाज़ नहीं होती। क्योंकि जब घर में कभी कभी भैंस खुल जाती थी उसकी आवाज़ आती थी चलने की, तो हमें इंस्ट्रक्शंस थे कि साइड में भाग जाना। अच्छा, क्योंकि बच्चों का था कि साइड में भाग जाना, इसके सामने मत आ जाना। तो हम वो आवाज़ सुनते भाग जाते थे, मतलब मम्मी भैंस खुल गई, भैंस खुल गई, मम्मी आएंगी, मम्मी पकड़ गई। तो वो सब दिमाग लगा रहे, फिर गए बस में बैठे, फिर जाके बस में जो गांव के बच्चे तो उन्हें सबको बताया कि भैंस खुल गई, तो सब हो गए, अरे भैंस खुल गई बताओ। जो बच्चे हैं, सोच रहे हो आप कैसे मैच्योर हो रहे हैं इतने बच्चे की भैंस खुल गई बताओ, ये कितनी भैंस थी। जैसे स्कूल पहुंचे, शहर के बच्चों को बोला भैंस खुल गई, वो कह रहे कि मतलब कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम रेनॉल्ड्स का पेन होगा ना तुम्हारे पास। बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ थी। फिर शहर में आ गए, फिर धीरे धीरे। तो मिली कि नहीं? नहीं मिली, चली गई। तो 6 महीने लगे इन लोगों को वापस से पैसे जोड़ के दोबारा भैंस लाने में, दोबारा वो करने में। दीवार भी टूट गई, ये भी तो खर्चा बढ़ गया। फिर दीवार लगवाई गई, तो वो सब।